तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो है थर्ड चैप्टर का, सेकंड चैप्टर किसका, कैपेसिटर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैपेसिटर का सबसे पहले कुछ फंडामेंटल बातें जान ले, क्या फॉर्मूला क्या है कैपेसिटर का, आप लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी है ना, होता है ना। सी क्या है, क्यू क्या है चार्ज है, सी क्या है कैपेसिटेंस है, और वी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, देखिएगा फिर से इस पे चल सकते Q इज इक्वल टू सी वी, सीरीज का जो फॉर्मूला कैपेसिटर को वन अपान सी इज इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री, सीरीज का फॉर्मूला किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल का होता है सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एंड प्लस सी थ्री, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है जो हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने वाले। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आप फिगर में देखिए, क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, मतलब कितना इस नेटवर्क में कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये है कैपेसिटर का काम। वैसे हम लोग जानते हैं चार्ज को स्टोर करना होता है विदाउट एनी चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज विदाउट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं करते फिर भी वो क्या करता है चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर कर लेता है। इसी की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करता है स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि किसी भी मोटर में जब हम लोग रनिंग कराते हैं, मतलब मोटर जब भी चलाना होता है तो उसको पोटेंशियल देने के बाद भी उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि वो क्या करे रन करने लगे, तो इसलिए हमको कैपेसिटर लगाना पड़ता है उसके। जैसे कैपेसिटर लगाएंगे वो क्या करेगा स्पीड बढ़ा देगा, एक बार चलने लगा कैपेसिटर चाहे तो निकाल लीजिए फिर वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग को साइकिल चलाना, तो पहली बार साइकिल स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, एक बार बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है आराम से नॉर्मल चलाते रहते हैं, और फिर जब रोकना होता है फिर फोर्स का यूज करते हैं, फिर चलाना होता है स्टार्टिंग कर फिर से। सेम यही मोटर में होता है, तो वो काम कराता कौन, तो ये हमारे भैया है कैपेसिटर लाभ। ठीक है, यही कराता। तो बोला इस पूरे नेटवर्क में क्या हमें करना है, तो हमें करना है कि कितना स्टोर कर लेते। तो देखिए हमें सबसे पहले पूरे कैपेसिटर का हमें कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऊपर वाला सीरीज में नीचे वाला सीरीज है तो दो निकालते हैं। सीरीज के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 प्लस 2, देखिए सीरीज वाला फार्मूला तो ये रहा, सीरीज वाले फार्मूला से आए तो 1 अपान सी 1 कर लेते हैं, और उधर हो जाएगा 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा, इसके एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर ले सीरीज में तो कितना हो जाएगा 4 आ गया, 4 का मतलब 1 हो गया 2 हो गया तो कुल मिला के 3/4 हो जाएगा, और तो C1 की जो वैल्यू होगी उल्टा हो जाएगा 4 अपान 3 हो जाएगा और ये माइक्रो फैराड हो गया। चलिए एक की बात खत्म हो गई, ये आ गया। दूसरी तरफ का निकाल लीजिए, नीचे वाले का निकालिए, तो 1 अपान इसको C2 मान के निकाल लेते हैं, 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम अगर 6, यहाँ 1 जा प्लस यहाँ कितना होगा 2 जा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 अपान 6, इसको काटेंगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा। तो C2 की जो वैल्यू वहां से 1 अपान 2 है तो 2 माइक्रो एंड फैराड, ये देखिएगा कैपेसिटर की वैल्यू दोनों आ गई। सी वन की आ गई 4/3, मतलब ऊपर वाले को, इसको हमने दोनों के यहाँ से यहाँ जोड़े इसको सी वन मान लिया, इस वाले को हमने दोनों को सी टू मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ गई कितनी, तो 4/3 ला दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई तो 2 ला दिया मैंने। ठीक है, अब करना क्या है हमको, ये दोनों देखिएगा यहाँ से हम लोग जब ये करंट चला, यहाँ पॉजिटिव था इधर चला इधर चला इधर चला यहाँ जैसे चला इधर इधर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वाला सीरीज हो गया और आपस में होल रिजल्ट होगा पैरेलल होगा, तो ओवरऑल सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू होगा। तो सी की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 4/3 प्लस कितना होगा 2 ऐड कर लेते हैं, C ऊपर कितना होगा इसके एलसीएम में तो मल्टीप्लाई कर 6 10 आ जाएगा 10/3 माइक्रो फैराड। ये कैपेसिटर टोटल कैपेसिटर की वैल्यू निकाल दिया कितना आ गया तो 10/3 माइक्रो फैराड आ गया। माइक्रो फैराड को भी चेंज कर लेंगे 10^6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके तो आ जाएगा। ठीक है, इसको बदल ही लीजिए, C ऊपर कितना होगा 10/3 -6 माइक्रो फैराड हट के फैराड में बन गए। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अभी मैंने ये फार्मूला लिखा था देखिए इसी में रख दीजिए, तो C की जो वैल्यू होगी इसी फार्मूले में रखते हैं, C इक्वल कितना होगा Q/V हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हमारी, हाँ एक मिनट, C हमको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द टोटल चार्ज निकालना। ठीक है, क्या निकालना, टोटल चार्ज।
देखिए हमको क्या निकालना है, हमने देखा ये क्या निकाला टोटल चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी वी, सी की वैल्यू है 10/3 और मल्टीप्लाई यही ला देते हैं कितना वी, वोल्टेज क्या है 3 वोल्ट की बैटरी भैया, 3 वोल्ट से मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है -6 है, कुल कट के यहाँ बच गया कितना 10 × 10^-6 वोल्ट, थोड़ा हिल रहा है तो हमारा चार्ज कूलाम में आ गया, देखिएगा ये आंसर 10 × 10^-6 कूलाम। ठीक है तो आप लोग देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका पहले पैरेलल सीरीज निकालेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला होता, फिर इसका सीरीज निकालेंगे रेजिस्टेंस का इसमें उल्टा होता, फिर दोनों का ओवरऑल पैरेलल निकाल के डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में ला के रख देंगे, सीधे सीधे चार्ज ही निकल जाएगा, वो चार्ज जो बताना था। ठीक है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा ये सब, बस कुछ नहीं है सिंपल, आप बस ध्यान देते रहिए कुशल पूछ रहे। ठीक है जानते ही ऐसे कुछ भी नहीं होता है, तीर को आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ओके